सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर। गाइस यदि आपका कूलर भी ठंडी हवा नहीं दे रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। गाइस सबसे पहले तो आप लोग ये जो कूलर देख सकते हो, इस कूलर की प्रॉब्लम सुनिए। गाइस इस कूलर की प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो पंखा है, हवा देने वाला पंखा है, फुल स्पीड में चलता है और भरपूर जितनी उसमें ताकत है उतनी हवा भी देता है। लेकिन गाइस इसकी प्रॉब्लम ये है कि एक कूलर गर्म हवा देता है और तो और गाइस इसके अंदर जो पंप डाला जाता है पानी देने के लिए, वो पंप भी चलता है और यहाँ पर जाली से जो पानी आता है वो पानी भी आता है, लेकिन इसके बाद भी गाइस ये जो कूलर है बिल्कुल गर्म हवा देता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बताएंगे कि यदि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है कि कूलर का पंप भी सही है, कूलर का हवा देने वाला जो मोटर है वो भी अच्छी स्पीड में चल रहा है, इसके बाद भी यदि आपका कूलर गर्म हवा दे रहा है, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल काला पीला हरा जैसा भी आपको सब्सक्राइब का बटन दिखे उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। चलिए गाइस तो अब बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस ये जो कूलर है हमने आप लोगों के लिए पहले ही बता दिया है कि इसका जो फैन वाला पंखा है ये अच्छी स्पीड में चलता है, हवा भी देता है, साथ ही दोस्तों ये जो इसके अंदर जो पंप है वो भी चलता है और पानी भी देता है। इसके बाद भी गाइस ये कूलर का प्रॉब्लम ये है कि ये ठंडी हवा नहीं देता है। तो देखिए गाइस इसमें आपकी दो तीन प्रॉब्लम हो सकती हैं, दो तीन समस्याओं के कारण से आपका कूलर ठंडी हवा नहीं देगा, फिर चाहे आपका कूलर लोहे का हो या प्लास्टिक का। तो देखिए गाइस सबसे पहली वजह आप लोगों के लिए बताते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे ये कूलर है तो इसके अंदर गाइस आप लोग देखोगे इस कूलर के बगल में लगी होती हैं क्या गाइस ये वाली खसें लगी होती हैं। गाइस इन्हें हम कहते हैं खसें। अब गाइस क्या होता है कि यदि आपका कूलर एक दो साल पुराना हो जाता है तो कूलर का काम ये होता है कि जब आपका पंखा चलता है तो ये कूलर यहाँ से हवा आपका खींचता है, क्या कहता है दोस्तों, हवा अंदर की ओर खींचता है, इसके बाद गाइस तब जाके कूलर यहाँ से हवा निकालता है। लेकिन गाइस यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो कूलर है इसके अंदर जो खसें लगी हुई हैं इसके अंदर देखिए गाइस भस, देखिए आप कितनी भस निकल रही है, यानी कि गाइस इसके अंदर कचरा जम गया है। कचरा जमने के कारण इसके ऊपर से जो पानी गिरता है, पानी तो गिरता है लेकिन गाइस सीधा नीचे चला जाता है, इसके अंदर सांस नहीं है यहाँ पर अंदर हवा जाने के लिए। याद गाइस देखिए इसका सबसे मेन कारण है कि यदि आपका कूलर ठंडी हवा नहीं दे रहा है तो सबसे पहले आपके आपको अपने कूलर की जो खसें होती हैं, चारा टाइप का होता है, इन्हें चेंज आपको करना हो। और इसके बाद इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अपने कूलर को सही स्थान पर नहीं रखे हुए हैं। हाँ गाइस ये कूलर का ठंडी हवा देने का प्रोसेस क्या है गाइस, सबसे पहले तो आपकी खसे नहीं होना चाहिए, खसे नहीं है उसके बाद भी यदि आपका कूलर ठंडी हवा नहीं दे रहा है तो इसका सबसे मेन कारण क्या है दोस्तों कि आप अपने कूलर को अपने मकान के अंदर सही स्थान पर नहीं रखे हुए हैं। जैसे गाइस यहाँ पर यदि गेट है, इस साइड से गेट है और आपने अपने कूलर को इस साइड में यहाँ से इस साइड रख दिया है कि जहां पर ये जो खसे हैं खसों के अंदर ये समझिए कि हवा आने का कोई स्थान ही नहीं है। मान लीजिए दोस्तों आपने एक साइड इस साइड से दीवार आ गई और पीछे साइड से दीवार आ गई तो अब आप खुद ही बताइए कि जब एक कूलर चलेगा तो ठंडी हवा कहाँ से बनाएगा। बल्कि दोस्तों कूलर ठंडी हवा तभी बनाता है जब यहाँ से हवा जाए, यानी कि जब पंखा चलता है तो यहाँ से हवा झींकता है अंदर की ओर और इसके बाद यहाँ से निकालता है। अब इसके अंदर पानी तो डला है लेकिन दोस्तों दीवाल है, बगल से ऐसी दीवाल लगी हुई है जिसके कारण क्या होता है गाइस कि आपका कूलर ठंडी हवा नहीं दे पाता है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात और दिक्कत ये और हो जाती है कि आपका कूलर जो स्पीड से चलता है उस स्पीड से भी नहीं चलेगा। तो गाइस यही जानकारी आप लोगों के लिए देना था। तो वीडियो पसंद